नमस्कार, KTN न्यूज में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर चाय वाली के पास पहुंचे पप्पू यादव। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बापू सभागार गांधी मैदान पटना के पास आत्मनिर्भर चाय वाली का बोर्ड देख जाप सुप्रीमो पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि वहां पर एक एजुकेटेड लड़की आत्मनिर्भर चाय वाली के नाम से चाय बेच रही है, जो ग्रेजुएशन कर चुकी है और चाय दुकान के साथ पढ़ाई भी कर रही है। वहां पर चाय वाली ने पप्पू यादव से कहा कि प्रशासन ने उन्हें वहां से चाय दुकान हटाने को कहा है, जिससे वह परेशान थी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना SP से बात कर इस बिटिया की परेशानी का हल करने की कोशिश की। SP साहब से आग्रह किया कि इसका दुकान बंद किए बगैर वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि दुकान बंद होगा तो हौसला टूटेगा, जो हम होने नहीं देंगे। किसने दिया? सर, प्रियंका मैम ने लगाया था शुरू में, तो मैंने सोचा जब वो बिहार में कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। प्रियंका मैम कहाँ लगा? वो बोरिंग रोड, बोरिंग का नाम के पास, कॉलेज के पास लगा, बोरिंग रोड संघाई के लगा जो हमने लगा है। अब वो लगा अपने वहां पर मेडिकाना है ना, वो बीकानेर के पास, बीकानेर सोमे 19 के अपोजिट साइड, सोमे 19 साइड है, उसी के अपोजिट, अपोजिट साइड वहां पर नया स्टोर बना। उतना तो नहीं सर, बट 2 से 3 हजार आए। अच्छा जी, मेरा इस साथ में स्टडी भी हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है।